हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस जीत हासिल करने के लिए एकजुट हो गई है। इसी के चलते हमीरपुर शहर के बीचों बीच कांग्रेस ने चुनावों के मद्देनजर कार्यालय खोल दिया है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने किया। हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस जीत हासिल करने के लिए जुट गई है। इसी के चलते हमीरपुर शहर के बीचों बीच कांग्रेस ने चुनावों के मद्देनजर कार्यालय खोल दिया है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने किया। इस अवसर पर संसदीय सीट के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, वरिष्ठ कार्यकर्ता अनिल वर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कार्यकर्ताओं को दो टूक शब्दों में कहा कि अपने बूथ स्तर पर कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं पर दबाव और धमकी नहीं देता है और पार्टी का अपना नीतिगत मामले के तहत कार्यकर्ता को उत्तरायित्व का निर्वाहन करना ही पड़ेगा। ये हम कोई धमकी नहीं दे रहे, न ही हम कोई दबाव बना रहे हैं। ये इस मेरी इस बात को एक दबाव और धमकी के अंतर्गत नहीं लिया जाए। ये हमारे संगठन का एक नीतिगत मामला है कि हर पदाधिकारी को, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो या प्रदेश स्तर का हो, उसको जो उत्तरदायित्व दिया गया है उसको अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा और खासकर जो अपना बूथ है वहाँ पार्टी की विजय जो है सुनिश्चित करनी है। कुलदीप राठौर ने कहा कि बीजेपी में असुरक्षा की भावना बनी हुई थी और दो सीटों पर आनन फानन में उम्मीदवार बदलने पड़े हैं। वहीं हमीरपुर के वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर हाईफाई ही बने रहे हैं और अपनी सांसद निधि तक को खर्च नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि जो गाँव अनुराग ठाकुर ने गोद में लिया हुआ था उसकी भी बदतर हालत है। जो है सत्ता विरोधी रुझान जो है मौजूदा सांसदों के खिलाफ है और इसी के चलते इनको ये लगा कि दो सीटों पे दे हैव कंसीडर्ड डिफीट, कांगड़ा एंड शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहले इनकी कोर कमेटी में ये चारों नाम क्लियर हुए, कहा गया कि मौजूदा सांसद चुनाव लड़ेंगे और बाद में दो प्रत्याशियों को इन्होंने चुनाव मैदान से हटा के नए प्रत्याशी दिए। एक असुरक्षा की भावना भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी और उन्हें ये लग रहा था कि हम ये दो सीटें हारे और जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं बार बार तीन बार वो चुनाव जीते और धरातल पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनके बारे में यही कहा जाता है कि इज़ वेरी हाई प्रोफाइल लीडर, इज मोर बिजी इन हिज अदर एक्टिविटीज़, चाहे क्रिकेट से जुड़ा मामला हो या दूसरा मामला हो। सांसद निधि के 5 करोड़ साल के मिलते हैं, 25 करोड़ बनते हैं। इससे ज़्यादा लापरवाही नहीं हो सकती कि सांसद निधि का जो है वितरण नहीं हो पाए और जो गांव उन्होंने गोद में लिया था उसके बदतर हालत है।